अस्सलाम वालेकुम। तो आज की स्टोरी ये है कि मुझे एक मेरे फ़ैन या फॉलोअर कह लें, बड़ी देर से मुझे मैसेज कर रहे हैं, काफ़ी मतलब टाइम से मैसेज कर रहे हैं, मुझे कह रहे थे कि आप मेरे साथ स्नूकर खेलें। और जब से मैं पाकिस्तान से आया हूँ तब से मैंने स्नूकर नहीं खेली, तो आज हम स्नूकर खेलेंगे उनके साथ। उन्हें मैंने तकरीबन टाइम दिया है 9 बजे का, अभी बज रहे हैं तकरीबन 7, तो तकरीबन 2 घंटे हमारे पास, उसके बाद हम उनके साथ जाकर स्नूकर खेलेंगे। और पता नहीं आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की है या नहीं नोटिस की, मेरे पीछे ब्लर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है नॉर्मल मेरी वीडियो फुटेज से। और उसकी वजह ये है कि मैंने एक नया लेंस खरीदा, काफ़ी देर से मैं वो लेंस खरीदना चाह रहा था, तो अब जाके मैंने फाइनली लेंस खरीदा। अब ये जो लेंस है इसकी लो लाइट में वीडियो क्वालिटी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन असल बात ये है कि ये ब्रॉड डे लाइट में किस तरह काम करता है और उसका डेप्थ ऑफ फील्ड है कितना अच्छा आता है। तो मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है कब सुबह हो और मैं इस जो लेंस है इसको ट्राई करूँ। जी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और मेरा ख्याल वो भाई साहब आ रहे हैं अपनी गाड़ी पे, तो अब इनसे हम निकल के मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाईजान, कैसे हैं आप? सेहत भी ठीक है और सुना क्या चल रहा है? सबसे पहले तो नाम बता दें अपना लोगों को। आयुन। कनेडियन ज़्यादातर पूल के शौकीन हैं और स्नूकर टेबल्स पे आपको ज़्यादातर देसी ही नज़र आएंगे। तो भाईजान आ चुके हुए हैं, तो हमने आज खेलने हैं तकरीबन 3 फ्रेम्स और 3 फ्रेम्स में से जो 2 जीतेगा वो विनर कहलाया जाएगा। तो सबसे पहला फ्रेम ओपन करेंगे आयुन भाई, तो चलते हैं। तो ब्रेक कर रहे हैं भाईजान, पहला सेट पहला फ्रेम है जी हमारा। लें जी ब्रेक तो भाई साहब ने बहुत अच्छी की है, अगर पॉट ना हो जाए वहाँ से तो। और इस तरह का स्टार्ट नॉर्मल है अगर आप 1 साल के बाद स्नूकर खेल रहे हो तो। और गेम के मिडिल में जाके मुझे चांस मिला 1-2 बॉल स्पॉट करने का, लेकिन वो भी मर के ही हुई। और इसके बाद भाई साहब का भी हाथ खुल गया और इसके बाद भाई साहब मुझे सिर्फ मारते ही रहे और फिर रुके नहीं है वो। और इसी तरह हमारी गेम आगे चलती ही रही और बात पहुंच गई ब्लू तक। और ये पिंक पॉट करने के बाद मेरे पॉइंट्स हो जाएंगे 3। और इतनी आसान ब्लैक मिस करने के बाद यकीन करें मुझे स्नूकर खेलना छोड़ देना चाहिए। मैं अपनी आंखों से अपनी मौत देखते हुए पहले फ्रेम की मौत देखते हुए पहला फ्रेम जीत चुके हैं भाईजान। और दूसरे फ्रेम में मैंने सारे की सारी रेड खोल दी और मैंने सोचा कि मैं 147 मारूंगा, लेकिन मैं जेट ट्रम्प तो हूँ नहीं, इसलिए मैं 6 या 7 पॉइंट करके ही गुजारा करूँगा। दूसरी गेम में चार्ज शुरू किया हमारे होस्ट ने, इसी के साथ आपके भाई को भी चांस मिल गया थोड़े से पॉइंट्स उतारने का। और इसी तरह एक दूसरे को पॉइंट्स मारते मारते गेम पहुंची ब्राउन तक और ब्राउन पे मेरे पॉइंट्स हैं तकरीबन 12। और अब मुलाहिजा करें आपके भाई की मरी हुई क्लियरेंस। ले जी अभी तक हमारे 2 फ्रेम्स हो चुके हुए हैं, पहला भाई साहब जीते थे और दूसरा मैं जीतता हूँ, अब तीसरा हमारा फाइनल फ्रेम है, देखते हैं वो कौन जीतता है। तो ये है डिसाइडेड फ्रेम, 1 सेट मेरा है और 1 ही भाई साहब का है। और इसी के साथ मैंने बहुत आसान पॉट मिस की और मेरे पॉइंट्स हो चुके हैं अब 3। और भाई साहब ने भी बहुत आसान पॉट मिस की और इसी तरह मुझे मौका मिला ओवर पॉइंट्स लेने का और अब मेरे पॉइंट्स हो चुके हैं पूरे 10। मामला कुछ ऐसे हैं कि भाई हमारा तीसरा फ्रेम चल रहा है और मेरे पॉइंट्स हैं इस वक्त 12 और भाई साहब थोड़ा सा गंदा खेल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कम बैक करेंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन भाई की गंदी फॉर्म अभी तक जारी है। ये जी मेरे पॉइंट्स हो चुके हैं इस वक्त 18, मैंने डाली थी पहले ब्लू तो 18 हो गया मेरे पॉइंट्स। और अब मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरी दोबारा धुलाई होने लगी है। तो भाई साहब ने डाले हैं तकरीबन 12 और मेरे रह गए तकरीबन अब 6। और यकीन करें भाई साहब तो सांस लेने का नाम ही नहीं ले रहे। गेम का 5 सा पलटते हुए अब हम हमारे न्यूट्रल पॉइंट्स हो गए हैं 0 पॉइंट्स। मेरे साथ हुआ ये है कि भाई 7 पॉइंट डालते डालते मैंने 7 का फाउल दे दिया, तब अयून भाई साहब के हो चुके हैं 7 पॉइंट्स। ये मैं भरपूर कोशिश करते हुए कि मेरे किसी ना किसी तरीके पॉइंट्स उतर जाएं। और बाबा जी कहते हैं कि जहां पे आपको स्नूकर लगाने का चांस मिले वहां पे स्नूकर लगा दो। और बॉस के इस वक्त तकरीबन 4 पॉइंट्स हैं और मैंने उन्हें स्नूकर लगा दिया और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं स्नूकर से जान छुड़ाने की। और ये भाई साहब ने ट्राई की है स्नूकर तोड़ने की और बहुत ही क्लोज कॉल थी, लेकिन फिर दोबारा स्नूकर लग चुका हुआ है अब और दोबारा ट्राई ली है और दोबारा फाउल हो चुका है। भाई साहब ने अभी 8 के फाउल दिए हैं तो मेरे 4 पॉइंट्स हो गए। अब बात पहुंच चुकी है कलर्स पे और भाई साहब ने सीधे ही 3 कलर्स डाल दिए।
और इसके बाद बारी आई पिंक की, और पिंक पे हमने खूब ट्राइयां ली। और फाइनली मुझे मौका मिला पिंक पॉट करने का, और इसी के साथ मुझे डबल ब्लैक है, और अगर मैं ब्लैक डालूंगा तो मुझे ब्लैक दोबारा पॉट करनी पड़नी है, और दुनिया में एक ही बंदा है जो इतनी आसान ब्लैक मिस कर सकता है, और वो मैं हूँ। और इसी तरह ब्लैक डालने के लिए भी हम खूब जलील हुए हैं। और ले जी, मैंने ब्लैक एक दफ़ा डाल तो ली है, लेकिन मुझे दोबारा डालनी है क्योंकि डबल ब्लैक है। और भाई साहब की सेफ्टियाँ चेक कर लें आप ज़रा, ये तो भाई साहब की मेहरबानी कि भाई साहब ने इतनी आसान ब्लैक मिस कर दी, लेकिन एंड पे ब्लैक मुकद्दर भाई साहब का ही बनी। हाय 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 हाय, कहाँ से गेम ला के हारेंगे अगर हारेंगे तो, कहाँ से गेम हारेंगे अगर मिस कर दें तो मजा। और ये भाई साहब गेम जीत चुके हैं, भाई साहब को हम मुबारकबाद देते हैं, ऐसा बहुत अच्छी गेम थी। ले जी, तो अब हम लेने जा रहे हैं कॉफ़ी, क्योंकि अयून भाई ने मुझे हराया, तो अयून भाई को मैं कॉफ़ी लेके दूंगा मेरी तरफ से इनके लिए आज कॉफ़ी। अयून भाई, आपने मेरे साथ अच्छा तो खैर नहीं किया, लेकिन फिर भी कॉफ़ी आपको मैं लेके दूंगा। तो अयून भाई से पूछते हैं कि भाई साहब आपको हमें हराने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा यार हरा के, अच्छा आगे भी हराऊंगा, ठीक है जो करने का, ठीक है जनाब। अब हमें हराए जरूर, हमारे जो फैंस है ना आदे, वो हमें छोड़ के चले जाएंगे भाई, ये बंदा हारता है हर बंदे से। ले जी, और ये जीतने की खुशी में भाई साहब को मेरी तरफ से फ्रेंच वनीला। भाई जान, आपने हमें हराया है, अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको ये हमारी तरफ से देते हैं ये। ले जी, भाई साहब को छोड़ दिया और भाई साहब वापस जा रहे हैं अब, और हमारी ये जो है राज की रात वो तमाम हो चुकी है।